नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और दोपहर खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हमारे देश में सेना के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। कभी सेना को अग्निवीर भर्ती के लिए टारगेट किया जाता है, कभी पुलवामा अटैक के लिए कहा जाता है, कभी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके लिए टारगेट किया जाता है और लगातार ये व्यवस्था देश में चली आ रही है। हमारे देश के नेता ना आर्मी में जाते हैं, ना आर्मी में जाने के लिए प्रमोट करते हैं, और शायद अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो बहुत कम नेता ऐसे होंगे जिनके बच्चे या जिनकी पीढ़ी भारतीय सेना में जाती होगी। यानी भारतीय सेना में सेवा करने की तैयार नहीं है, पर भारतीय सेना को टारगेट करने के लिए हमारे नेता तैयार हैं। तैयार क्यों है? क्योंकि भारतीय सेना को लेकर लगातार बयान आते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अग्निवीर योजना ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही और इस योजना के माध्यम से कहा गया कि योजना बेकार है, आगजनी भी हुई और जिस तरह की आगजनी हुई घटना हुई वो बता रही थी कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले को सरगर्मी बनाए रखेगा। और उसके बाद जिस तरह से अग्निवीर योजना में लोगों की भर्ती हुई, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, एक बात स्पष्ट करती है कि योजना बेहतर है और बेहतर के बाद लगातार उसमें जिस तरह से भर्ती हो रही है वो स्पष्ट करती है कि सरकार ने इस योजना को लाकर कहीं भी गलत नहीं किया। पर चूंकि कारण क्या है, हमारा यहाँ के मंत्री है वो बयान देने के लिए पारंगत है और बयान देके अपने आप को सरगर्मी में रखे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर बयानों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल जो बयान आया है वो आया है बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का। खैर, अगर बिहार के बयानों की बात करें तो बिहार के बयान लगातार चर्चा बने हैं। पहले नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरण मानस को व्यवहारिक ग्रंथ कहकर नफरत में आए थे, नफरत फैलाते नजर आए थे। उनका कहना था कि जो ये ग्रंथ है ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उसके बाद यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की। उनका कहना है कि 8.5 साल बाद ये जो योजना है अग्निवीर योजना, इसके माध्यम से देश का नाम हिजड़ों की फौज के लिए होगा, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था आने वाले समय में देश का नाम बदनाम करेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि लोग अपनी लड़कियां नहीं ब्याहेंगे क्योंकि जो दूल्हे होंगे उनको रिटायर्ड फौजी कहा जाएगा। सरकार योजना को बेहतर कर रही है और यहां पर जो मंत्री हैं वो लगातार बयान कर रहे हैं। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर योजना लाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी पर चढ़ाना चाहिए। इस पर एक रिपोर्ट देते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूं। अग्निवीर योजना तो सभी को याद ही होगी। अग्निवीर योजना को जब लाया गया तब से अभी तक विवादों में ही है। पहले इसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा विरोध देखा गया था, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया था, जगह जगह प्रदर्शन देखा गया था और सरकार की इस योजना के खिलाफ विपक्ष ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कोई कोर कसर बाकी नहीं थी जिससे सरकार को ये योजना वापस लेने पर नहीं मजबूर किया गया हो। इन सब के बीच जिन नौजवानों को ये योजना समझ आई उन्होंने फॉर्म भी भरा था, लेकिन राजनीति में किसी का विरोध ना हो ऐसा संभव भी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री ने इस बार तो सारी हदें ही पार कर दी और सेना में जाने वाले सैनिकों की तुलना हिजड़ों से कर दी। बिहार सरकार के एक मंत्री का सेना पर दिया गया विवादित बयान वायरल हो रहा है। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव ने अग्निवीर योजना की निंदा करते हुए भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। ठीक, आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीर योजना की निंदा करते हुए भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगले 8.5 साल में भारत की सेना हिजड़ों की फौज हो जाएगी। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अग्निवीर जिस किसी के दिमाग की उपज है उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। 100 में 100 गलत है, जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए। पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन के महारैली को लेकर सीमांचल के जिलों में
सुरेंद्र यादव दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार में तैयारी की कमान संभाले प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। सुरेंद्र यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कहा जाता है कि मोदी चाय बेचते थे, चाय बेचना अच्छी बात है, लेकिन चाय बेचते बेचते देश को बेचा जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसमें देश की सेना कमजोर होगी। आने वाले वर्षों में जब सेना के मौजूदा जवान सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो सिर्फ अग्निवीर बनेंगे, वे 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, एक तरह से ट्रेनिंग के पहले ही वे रिटायर हो जाएंगे। देश की सेना अगले 8.5 साल में हिजड़ों की फौज साबित हो जाएगी। महत्वपूर्ण चर्चा विषय इसलिए क्योंकि देश की सेनाओं पर बोलने का अधिकार आपको किसने दिया, नेता को किसने दिया? जब नेता देश की सेवा के लिए सेना में नहीं जा सकते, अपनी पीढ़ियों को नहीं भेज सकते हैं, तो यह अधिकार उनको किसने दिया कि वो देश की सेनाओं के लिए हिजड़ों की फौज बोले? और साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रजाति को, किसी जाति को टारगेट करने का अधिकार किसने दिया? किन्नर वर्ग को ये बोलने का हिजड़ों की फौज, देश की सेनाओं को नाम रख रहे हैं, 8.5 साल बाद हिजड़ों की फौज कहलाएगी? किन्नर वर्ग भी इस समय देश में प्रतिनिधित्व कर रहा है, कई बड़े पदों पर है, मेयर भी है, पर ऐसा शब्द और ऐसा बयान कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाने वाला बयान है। मैं पूछ रहा मेहमान जुटकर गुरु करा दूँ, नेता भाजपा से, प्रवक्ता भाजपा से अश्विनी साहिब पर पक्ष रखेंगे, नेता सपा से वे पांडे, सोनम किन्नर राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पर पक्ष रखेंगी, अजय सिंह प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सोनम जी कैसे देखते हैं जिस तरह से बयान आया है मंत्री का, और इस बयान के मायने क्या है? इस तरह के बयान होने चाहिए क्या? एक किसी जाति को ऐसा टारगेट करना चाहिए या इनको अधिकार है देश की सेनाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी करने का? आपकी क्या राय है? मैं सर्वप्रथम प्राइम टीवी चैनल को जी इस मुद्दा उठाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार माननीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री देश के हमारे जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किन्नर समाज को भी समाहित करके समाज में मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, और बिहार राज्य में भी स्वयं नीतीश कुमार जी भी जी कई बार ट्रांसजेंडरों के लिए सम्मानजनक जी जो है कल्याण योजना भी लाए हैं जी, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसकी खेद प्रकट करती हूँ, जो ये जो सुरेंद्र यादव जी हैं सहकारिता मंत्री बिहार सरकार के, ये इस प्रकार की टिप्पणी इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए देश में एजुकेशन तो है नहीं लोगों के पास, संविधान की नॉलेज नहीं है जी। देश की संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जी जितना मेल को है फीमेल को उतना ट्रांसजेंडर को ऑलरेडी था जी, परंतु इस मुद्दे को कभी किसी सामाजिक किन्नर ने नहीं उठाए जी। सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना करने का काम सुरेंद्र यादव जी ने किए, सर्वोच्च न्यायालय हमारे लोकतंत्र देश भारत देश जी में जी उन्होंने अपने जजमेंट में ट्रांसजेंडर समाज को आरक्षण देते हुए ओबीसी में आरक्षण दिए, सभी राज्यों में किन्नर बोर्ड का गठन, अभी माननीय मोदी जी 2 राज्यसभा नॉमिनेट करने जा रहे हैं जी पार्लियामेंट में, और अभी हमारे देश में पहली बार 70 साल देश को आजाद होने के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नितवर्त में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार राष्ट्रपति भवन में एक किन्नर समाज को पद्म भूषण दिलाने का काम किए भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ सबका विकास, परंतु संगत का असर है इनके जो बिहार में, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए जी। क्या इनके पार्टी के इनके जो गठबंधन के नेता हैं जी, तो इनके ऊपर भी हम टिप्पणी बहुत कर सकते हैं जी। ये अपनी पत्नियां नहीं संभाल पा रहे हैं जी।
पत्नियां भाग गई हैं, इतनी सुंदर लड़की थी राय साहब की, लड़की क्यों चले गई तेजस्वी जी की जी। तो हम भी कई टिप्पणी दे सकते, पर हम मर्यादा और संविधान और हमारे बिहार राज्य के मंत्री पद पे हैं, इस प्रकार से कोई हम ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे भारतीय संविधान को ठेस पहुंचे। परंतु हमारी जो वीर सेना है, भारतीय संविधानिक सेना, तो ये कौन सी बात है? किन्नर समाज तो यूनाइटेड में भी, अमेरिका में भी जो है वहाँ भी किन्नर समाज जो है इसमें सेना में है, और भारत में भी माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी सेना में लाने की योजना लाए हैं, और सभी विभाग में 2% आर जिस विभाग में ये सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र यादव जी, इनके प्रवक्ता से मैं पूछना चाहती हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, कितने इनके विभाग में किन्नरों को आरक्षण देने का काम किए, कितने पोस्टिंग दिए जी? तो इनके इन लोगों की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है जी। इन लोगों को संविधान के प्रति कोई ऐसे लोगों को सख्त सख्त नीतीश जी कार्रवाई करें जी। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की में एक किन्नर कल्याण बोर्ड की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री होने के नाते मैं सुरेंद्र यादव जी के लिए मैं यही कहूंगी, उनको मैं सम्मान करूँ, क्योंकि एक संविधानिक चीज पे बैठे हुए मंत्री हैं बिहार राज्य के, इनके चाहिए, और ये जेल जाने लायक ये व्यक्ति हैं, और इनको इनकी मेंटलिटी कहीं अच्छे अस्पताल में इलाज करा दिया जाए, तो कह आगरा ले आइए, कुछ दिन इनको आगरे के पागल खाने में इनको भर्ती करा दे, तो इनका जो चीजें हैं वो सही हो जाए, इतना ही मैं कहूँगी। और अब और मैं इस प्रकार से कोई बात नहीं करूँगी, पर इतनी बंद में मैं अपनी कूटनीतिक से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, ट्रांसजेंडर की बहुत फिक्र है हमारे सुरेंद्र यादव जी को, जरा अपने सत्ता पक्ष के मंत्री माननीय तेजस्वी जी की पत्नी चले गई है, जरा उनके इलाज कहीं करवा दीजिए। चले ठीक है, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता अजय सिंह मौजूद है। अजय भाई, मंत्री का बयान मायने क्या है, जरूरत क्या है बयानों की, और अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह बयान दे रहा है, और एक वर्ग को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, क्या वर्ग सक्षम नहीं है या वर्ग अक्षम है, कैसे देखते राय को भाई? अजय सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि पूरे विश्व में अगर कोई सेना सबसे मजबूत है तो हमारे देश भारत की सेना है। ठीक है, हम एक सिपाही रौंद डालेंगे 56 कोट सेना को, हम जीत सकेंगे वीर बांकुड़ा इस विश्व के। अरे आपका महिमा मंडल तो हो गया, आपके मंत्री तो, क्यों बोल रहे हैं पटांग भाई? जी मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जब ये मुझे ज्ञात नहीं है कि मंत्री जी ने किस संदर्भ में ऐसा बात किया है, लेकिन अगर मंत्री जी ने ऐसे जो कुछ भी कहा है हमारे भारतीय सेना के लिए, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। ये उनका ऐसे पदों पे बैठ करके ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देना उचित नहीं है जी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हमारी पार्टी की निंदा करती है, और पार्टी स्तर पे जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रही बात किसी एक वर्ग को टारगेट करने का, तो हम आपको ये बता दें कि आज ही नहीं हमारा इतिहास रहा है, हमारे इतिहास में एक से एक जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, महाभारत में भी शिखंडी एक महा योद्धा थे, और हमारे मतलब चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, हम सबका सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सबकी सम्मान करती है। अगर मंत्री जी ने किसी संदर्भ में ऐसी बात कही है तो वो उनका पर्सनल बयान है, जिसे पार्टी घोर निंदा करती है। अच्छा। और हम लोग उसका निंदा करते हैं, हम अच्छा। उसके पक्ष में नहीं है, और मंत्री जी पर पार्टी स्तर से जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हुई क्या? आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरण मानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, कार्रवाई की है क्या? कार्रवाई हुई उन पर? नहीं हुई कार्रवाई? अब दूसरा बयान आ गया। देखिए रामचरित्र मानस कुमार जी से निवेदन है, ये हमारे भारतीय सेना का मामला है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से हम भारतीय सेना पे विश्वास करते हैं, हमारे देश की सेना सर्वोच्च है, विश्व में सबसे अच्छी सेना है, सरकार बड़ी समझ में नहीं आ रहा भाई, से इनको सस्पेंड कर, समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि देश की सेना सर्वोच्च होती है? मैंने
सौरभ जी, मैंने आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता को बतलाना चाहता हूँ, जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों का हम लोग घोर निंदा करते हैं। अरे कार्रवाई क्यों करें, निंदा हो गई, निंदा तो होती रहती है, चंद्रशेखर की भी निंदा हो गई थी। उनके खिलाफ पार्टी पार्टी फोरम में जो भी कार्रवाई संभव होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, अभी आपके बात लेता हूँ, ठीक है। अश्विनी शाही, अश्विनी भाई, यहाँ बयान आया है और दूसरा बयान है बिहार के मंत्रियों का। पहला बयान रामचंद्र मानस को लेकर, दूसरा बयान सेना को लेकर और एक वर्ग को लेकर, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, अभी अजय जी जो है जी, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा पार्टी फोरम पे कार्यवाही होगी। अरे वो आरजेडी के मंत्री हैं, आप कौन से पार्टी फोरम पर कार्यवाही करेंगे जी, पहली बात जी। दूसरी, उस मंत्री को देखिए, वो संवैधानिक पद पर, भी सोनम जी ने कहा संवैधानिक पद पर, कितना सम्मान करके कहा उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दिए गए थर्ड जेंडर को, बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम कालम वो करते, उसका सम्मान नहीं करते। जो अभी अजय जी चिल्ला रहे थे हमारी सेना सर्व मजबूत है, उसका अभी अपमान करने का काम किया उन्होंने, वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस व्यक्ति के आचरण से, वो 2018 में एक नाबालिग के साथ, उसके साथ जो है छेड़छाड़ करने पर पास्को एक्ट का मामला लगा है, उसके बाद भी नीतीश जी ने मंत्री बनाया हुआ है, पूरी जानकारी ले लीजिए। 1900 वो एक झारखंड में प्रेम प्रकाश नाम का अपराधी, जिसके यहाँ 47 राइफल पकड़ी गई थी, उसका भाई ट्रेन में लाया जा रहा था पुलिस अभिरक्षा में, इस व्यक्ति ने उसको ट्रेन से उतार लिया। अच्छा, उसको ट्रेन से उतार लिया और यातना दिया कि पैसा कहाँ रखे हो बताओ। 1998 में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी महिला बिल लेकर जो है लोकसभा में थे और वो पढ़ रहे थे, और उस बिल की प्रति फाड़ने वाला यही मंत्री है जो आज ये चीज बोल रहा है। इस व्यक्ति के ऊपर अपहरण, कांग्रेस के पूर्व विधायक की पिटाई, इन सब चीज के मुकदमे दर्ज हैं। पास्को से बड़ा, पोस्को से बड़ा कोई मुकदमा हो सकता है? तो ये इस चरित्र के मंत्री जी, इस चरित्र के मंत्री सरस्वती विहीन होंगे जो हिजड़ों की फौज कहेंगे और इधर उधर की बात करेंगे। हम तो सबका सम्मान करने की बात करते हैं देश में, और अग्निवीर की बात छोड़ दी, अग्निवीर पर कितना इन लोगों ने भ्रम फैलाया, इसके लिए आपको एक पीएफआई का एक दस्तावेज जो है, चार सीट अभी लगी है महाराष्ट्र में गौरव जी, उसमें लिखा है कि पीएफआई ने किस तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इस अग्निवीर योजना का विरोध कराया था, और जाने अनजाने विरोधी दल के जो राजनेता थे उसमें शामिल होकर, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सब शामिल हो गई और विरोध करना शुरू कर दिया जी। तो ये इस समय एक देश के खिलाफ षड्यंत्र है जो इस टाइप के सरस्वती भी जो अश्विनी भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको लगता है कि सेना पर टिप्पणी करना बड़ा आसान हो गया है? कभी पुलवामा अटैक पर टिप्पणी की जाती है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर टिप्पणी की जाती है, कभी अग्निवीर पर टिप्पणी की जाती है, तो आपको लगता नहीं है कि नेता की पीढ़ियां यानी उनके पुत्र या उनके जो परिवार है वो सेना में जाता तो नहीं है पर टिप्पणी करने के सब स्वतंत्र है? बहुत सही सवाल आपने किया जी, लेकिन उसमें भी देखिए, जो नेता पढ़े लिखे हैं, जिनको सरस्वती से कोई वास्ता है जी, जिनको देश से, समाज से कुछ वास्ता है जी, अजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, भले ही वो ना कर पाए लेकिन कम से कम सेना का जो है मान मर्दन करने की कोशिश तो नहीं की, सम्मान बढ़ाने की बात की। ये हमारे विरोधी दल के हो सकते हैं लेकिन इनकी बात का मैं स्वागत करता हूँ, क्या बात, कम से कम सेना के नाम पर तो खड़े हैं, लेकिन ऐसे सरस्वती भी इनको इन्हीं के नेता नीतीश जी मंत्री क्यों बनाए हुए हैं जो सेना का मान मर्दन कर रहा है और उसको मंत्री बनाए हैं, पोस्को एक्ट लगा हुआ है, ये समझते पड़े हैं। ये थोड़ा पांडे भाई, आपकी क्या राय है, जो इस तरह की टिप्पणी हो रही है कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे ख्याल से कोई कानून बनना चाहिए कि कम से कम देश की सेना जो आपकी रक्षा करती है, जो आपकी सीमाओं को संभालती है, जो आपको सुरक्षा देती है और आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती है, वो सेना, उस पर टिप्पणी पर अब कानून बनना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो पूरे मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूँ और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा, उसकी अनुमति भी चाहता हूँ जी। देखिए गौरव भाई, बहुत सटीक बात पे विश्लेषण करने के लिए आज आपने बुलाया, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जी। यहाँ बात एक शब्द की नहीं है जी, यहाँ बात एक अमर्यादित मानसिकता की है। क्या बात, जब किसी एक वर्ग को इस समाज का हिस्सा मान लिया गया, विधिक रूप से उसका प्रारूप तय कर दिया गया,
उसके बाद उस शब्द के माध्यम से किसी को अपमानित करना जी या करने का प्रयास करना जी, ये एक निकृष्ट विचारधारा का प्रतीक जी। और हम जैसे बुद्धिजीवी जो बैठ करके यहाँ पे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं जी, मुझे लगता है कमी हमारे भी अंदर है, हमें इसे निकृष्ट नजरों से देखना ही नहीं चाहिए। अभी स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी, देखिए नहीं नहीं ये गलत तरीका है, देखिए मंत्री है, मुझे लगता है आपकी बात ले रहा हूँ, अभी विवेक पांडे बोल रहे हैं, सुरन जी आपकी बात ले रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, विवेक पांडे बात पूरी करिए। मैं यही कह रहा था कि हम जैसे बुद्धिजीवी बैठ के अगर इसको आलोचना समझ रहे हैं जी, या इसको हम बुराई की नजर से देखते हैं, तो हमारे अंदर भी कमी है। बिल्कुल भाई, मुझे लगता है कि इस शब्द से समस्या ही क्यों, इस शब्द से अपमानित महसूस क्यों करना जी, नहीं, जब नहीं। आपको कहीं ना कहीं एक वर्ग का दर्जा दे दिया गया, निकल रहे हैं जी। हमें गर्व हो रही है, हमें फक्र हो रही है, ये कुंठित मानसिकता लोगों को इस पर से घृणा हो रही है, हमें तो गर्व हो रही है, हमें तो फर्क हो रही है, पर एक हमारी भारतीय सेना के प्रति जो हमारे योद्धा है योद्धा उनके पूरी करिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, निवेदन कर रहा हूं, मुझे प्लीज बोले। जी मेरा ये मानना है जी कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे समाज में मान्यता को स्वीकार करने की बात हो, जब किसी मान्यता को स्वीकार कर लिया गया जी, किसी शब्द का विधिक प्रारूप तय कर दिया गया जी, तो उसमें ना आलोचना ढूंढिए ना उसमें अपमानित महसूस करने जैसा कुछ है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि इतिहास में पूर्ववर्ती में 2014 के पहले लोग इसको एक हास्यप्रद व्यंग के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय था, ठीक। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। महाभारत में बृहन्नल्ला कौन थे जी, महाभारत में बृहन्नल्ला कौन थे जी? भगवान श्री राम जब जा रहे थे जी अयोध्या छोड़ करके जी, किसने वहां पे 14-15 वर्षों तक लगातार इंतजार किया बैठ करके? प्रजा तो अपने घर चली गई थी जी। क्यों आज इस समुदाय को शुभ मांगलिक कार्यों में आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया जाता है? जबरदस्त भाई, ये आशीर्वाद किसने दिया? ये भगवान श्री राम जब लौटे तो यही किन्नर समुदाय जो उनको छोड़ने गया था, प्रजा के लौटने के बाद भी 14-15 वर्षों तक उसी जंगल में इंतजार करता रहा, इसी भक्ति भाव से प्रभुत होकर के भगवान श्री राम ने उनको श्राप और वरदान का आशीर्वाद दिया था, जिसके लिए आज भी हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार जी हम आज भी किसी भी शुभ मांगलिक कार्यों में इनका आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल, और ये तो सदैव साक्षात सोचने वाली बात है गौरव भाई जी, कि धरती पे अगर सजीव देवता कोई है तो यही तो है। क्या बात, धरती पे कोई सजीव देवता है तो वो किन्नर समाज है जी। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे इस समाज के ऊपर, जिसके कारण ये हमारे बीच में रह करके कम से कम हमारे मांगलिक कार्यों में हमें शुभ होने का, समृद्ध होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ राजनीतिक परिचर्चा नहीं करूंगा जी, बिल्कुल, मैं भले किसी पार्टी से बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे बात एक समुदाय को अपमानित करने की अगर होगी तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब बात इतिहास की करेंगे तो इतिहास से लेकर पुराणों के ग्रंथ तक, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुद्ध को भी जैसे बताया गया है कि वो ट्रांसजेंडर की परिधि में आते हैं जी। लेकिन उनका महत्व तो क्या है? व्यापार, वाणिज्य, मस्तिष्क, बुद्धि, वीणा, तीक्ष्णा सब बुद्ध के समर्पित कारक क्षेत्र हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संयमित होकर के अगर नेताजी, विधायक जो भी हैं, जिन्होंने भी ये घृणित बयान दिया है जी, वोट लेते समय शायद मुझे लगता है वो विधायक जी जरा ये बता दे केवल कि उनके क्षेत्र में कितने ऐसे समाज के लोग हैं जिनसे वो भी हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेते हैं जी। भाई ये तो सोचने की बात है ना, आप इसको राजनीतिक विषय ना बनाइए। अच्छा। और मैं आज निवेदन करूंगा, सेना के लोग भी इसको अपमानित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए। अच्छा। अगर आपको इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ना है तो जिस तरह आरक्षण की बात होती है, कोटों की बात होती है, हमें जरूरी है विशेष भर्ती तो है, मेरी बात दो राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं, मेरी बात आ जाए, राज्य मंत्री की बात अलग, ये राजनीतिक दलों का विषय नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मुख्य धारा से जोड़ना है तो इनको स्कूलों से लेकर प्रोफेशनल एजुकेशन, MBA से लेकर के मेडिकल तक सब में इनको एडमिशन दीजिए, इनके कोटे निर्धारित करिए, इनको मुख्य धारा के विशेष पारंगत विषयों में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में लाइए, इनको हमारे समाज के बीच में रह करके क्रियान्वित करने दीजिए। आपको एक बात बता दूं, आपको याद नहीं होगा, पश्चिम बंगाल की 30 वर्षीय ज्योइता मंडल का नाम किसी ने सुना है? हमारे देश की पहली न्यायाधीश, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं विधिक क्षेत्र से आता हूं और हमारे देश में हमारी न्यायपालिका ने यह कर दिखाया कि एक ट्रांसजेंडर को ला करके उन्होंने न्यायाधीश बनाने का कार्य किया जी। तो मुझे लगता है कि यहां पे राजनीतिक दलों की कुत्सित भावना को न लाया जाए, आपको जरूरत है। हाँ, मैं एक निवेदन जरूर आज शाही भाई के माध्यम से करूंगा, हमारी मंत्री जी भी बैठी है, आप
इस समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आईआईटी से लेकर आईआईएम से लेकर के हर वर्ग तक जो व्यवस्था आम जनमानस के लिए है पुरुष महिला के अनुसार उनको इस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक रणनीति बनाइए और इनको एक मुख्य धारा से जोड़िए। बयान का विरोध करते कि नहीं करते बयान तो मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ बात कर रहे हैं। मैं ऐसे बयान पे चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बयान ही समाज हित के विरुद्ध है। विरोध तो कर दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ सुन तो लीजिए। सुना लीजिए। विरोध कैसे करें? ग्लास तोड़ दूं? अच्छा मैंने क्या कहा? अरे ग्लास तोड़िए। मैं ऐसे व्यक्ति के शब्दों को सुनना ही पसंद नहीं करता जिसकी भावना ही जनहित के विरुद्ध है। क्या बात है? मैं आप तो विरोध की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको समाज के बाहर इनको पहले ले जाकर के संयमित इनको शिक्षा दीजिए और इनको कहीं पॉलिटिकल साइंस से लेकर के इनको ग्रेजुएशन इनकी डिग्री चेक करिए पहले। क्यों? ये समाज विरोधी बयान है। ये समाज विरोधी बयान है। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती है। ठीक है अश्विनी भाई, क्या बोला चाह रहे? बोलिए। देखिए कुल मिला के मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री जी से मैं इनके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे जो सरस्वती विहीन मंत्रियों को आपने बैठा रखा है, चाहे वो रामचरितमानस पर बयान दे रहे हो, चाहे अग्निवीरों पर बयान दे रहे हो, किन्नरों पर बयान दे रहे हो, और उसकी परिभाषा बहुत शानदार अभी विवेक भाई ने बताया, तो इस सब चीजों को लेकर अगर बेहतर तरीका ये है कि इन लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और ऐसे बयान वीरों पर लगाम लगाया जाए। ठीक है दोबारा तो सुरम के एनर्जी बोलिए, अब एक बार पूरी करिए। सुरम जी बोलिए कि हमारे भारत संस्कृति में हमारा किन्नर कैलाश पर्वत है जहाँ करोड़ों लोग जाते हैं दर्शन करने जी। यह भारत की संस्कृति है जी। और रामचरितमानस में जी। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता जो हैं पांडे जी, विवेक पांडे जी ने जो बात कहे हैं जी। रामचरितमानस में तुलसी गोस्वामी जी वर्णन किए हैं, देव धनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी सुर नर किन्नर नाग मुनीषा जय जय कही देही आशीषा। मैं प्रवक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार राज्य से और जो हमारे नीतीश जी के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और विवेक पांडे जी, ये सभी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हमें समझ रहे हैं, उनको हम बुद्धि और विवेकमान व्यक्ति हैं। सबसे पहले स्टूडियो से जाते से ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, तब आप एक मानवता का परिचय देंगे। सिर्फ टीवी पे अपनी वाणी प्रकट कर देना और अपना एक समाज के प्रति वाकई में आप हम लोगों के प्रति समान धारा चाह रहे, समानता चाह रहे हैं, तो ये जो सुरेंद्र यादव जी माननीय मंत्री जी हैं इनके खिलाफ अपने अपने थानों में कम से कम एक एप्लीकेशन से इनको एफआईआर दर्ज कराइए ताकि हमारे हमें कोई बुरा नहीं लगा, हमें गर्व हो रहा है, परंतु बुरा उनको लग रहा है जो मानसिक से कुंठित व्यक्ति हैं। हमें बिरहनल्ला बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, छक्के बोलते हैं, हिजरे बोलते हैं, हाँ, पर जो हमारे विधि और जो हमारे भारत की संस्कृति सनातन धर्म की पंडिती है वह शब्द है किन्नर। तुलसी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वर्णन किए, परंतु इस प्रकार से एक विशेष वर्ग जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो आज हम चैन सुख से सोते हैं, जो हम अपने भारत के सीमाओं पे जो जीरो डिग्री में तपस्या करके हमारे भारत के तिरंगा के स्वाभिमान के लिए, देश के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, किसान के लिए, देश के साइंटिस्ट के लिए, जो सीमा पे रह के तैनात होके दुश्मनों से जो हमारे हमारे विकास को देख के, हमारे खुशी को देख के जिनको सहन नहीं हो रही, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सेना सशक्त हो रहे, पूरे विश्व में पूरा विश्व हमारे सेना से आज कांप रहे हैं, जो चीन की हिम्मत पास्ता कर दिए माननीय मोदी जी, ऐसे सेना पे माननीय सुरेंद्र यादव जी एक वर्ग को लेकर टिप्पणी कर दिए, तो ये इस चीज की हम सभी उत्तर प्रदेश राज्य के और हमारे जितने भी
अखिल भारतीय किरण समाज संस्था है उसकी तरफ से मैं मांग कर रही हूँ हाईकोर्ट बिहार राज्य हाईकोर्ट संज्ञान ले, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बेंच ने ट्रांसजेंडर को मौलिक अधिकार देते हुए समानता का अधिकार दिए, नौकरी में आरक्षण, एजुकेशन में आरक्षण और बराबरी के मंत्री जी, इतना अधिकार जोधा नहीं मानते हैं क्या? किरण समुदाय उतना अधिकार हमारा भी इस भारत के संविधान जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को पूछा जा रहा है आपसे। बोलिए बोलिए अजय सिंह बोलिए जी। मैं माननीय मंत्री जी के मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या ये किन्नर समुदाय को वीर योद्धा नहीं मानते हैं क्या? अगर मानते हैं तो भारतीय सेना को अगर किन्नर कह दिया गया तो इसमें इनको आपत्ति क्या? बोलिए जवाब दीजिए सुरंग जी। मैं गर्व करती हूँ, हम गर्व करते हैं, हम बिल्कुल अपने आप में फर्क फक्र कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर को सेना में लेना चाहिए, भले ही ट्रांसजेंडर में सोनम जी से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे आपत्ति है कि आपके माननीय मंत्री ने जो योद्धा होगा जो जिस तरीके से जवाब देता हूँ अभी सोनम जी बोल रहे हैं। बोलिए सोनम जी, अभी बात पूरी करिए। अब मानिए प्रवक्ता जी, आप अभी यंग दिख रहे हैं, मुझे युवा दिख रहे हैं, तो आप चले जाएंगे तो मुझे तो गर्व होगा। अब नीतीश जी को सेना में भेज देंगे तो दो कदम चल ही नहीं पाएंगे जी, बिल्कुल। तो आप नीतीश जी को लेके तो हम इस तरीके टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ट्रांसजेंडर किन्नर के लिए, किन्नर शब्द के लिए हमें कोई बुरा नहीं है जी। अधिकार मिलना चाहिए, परंतु पूरे पूरे सेना को जी। एक ही चीज कर दिए, छोड़िए पूरे मंत्रालय पर सारे किन्नर को दीजिए। बात इस चीज का है जी। आपने सेना में ट्रांसजेंडर को लिए, किन्नर शब्द को लिए, मुझे गर्व हो रहा है सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी कम से कम बिहार राज्य में अपना मंत्री पद छोड़ के किन्नर को दे दे मंत्री पद, किसी हिजड़े को बैठा दे अपना मंत्रालय में। नहीं देंगे अपने मंत्रालय में। मैं ये कह रही हूँ, असली मर्द सुरेंद्र यादव जी हैं और जेडीयू के पार्टी में असली मर्द कोई है? नपुंसकता इनके अंदर नहीं है जरा भी। तो अपने अपने मंत्रालय छोड़ के हिजड़ों को बैठा दे मंत्रालय में, क्या बात, मुझे गर्व होगा। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अब आपको जेडीयू के सभी नेताओं को बुरा नहीं लगना चाहिए। अपना अपना पद आप अपना पद छोड़ दीजिए प्रवक्ता का, इस पद पे हिजड़ों को बैठा दीजिए, मुझे खुशी होगी, मुझे गर्व होगा। माननीय मंत्री जी, बुरा क्यों मानेंगे? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि स्त्री पुरुष और किन्नर समुदाय में कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है। तो वही तो कह रही हूँ प्रवक्ता जी, सुरेंद्र जी को बोलिए मंत्री पद से त्याग दे के एक किन्नर को बैठा दिया जाए जी। तो ठीक है सुनी भाई, आपको जवाब दे रहे थे इनके अजय सिंह के बात का कोई जी? हमको लग रहा है कि सोनम जी ने जवाब दे दिया अजय जी को, अब वो ज्यादा बेहतर जवाब दिया। आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए, कुछ बोल रहे थे आप असली भाई। नहीं, मैं मेरा ये कहना था, देखिए किसी को जो जिस परिपेक्ष में इनके माननीय मंत्री ने वो चीज कहा है और उसका श्रीवास्तव जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। गौरव श्रीवास्तव जी, चाय बेचने वाला देश बेच रहा है या देश को मजबूत कर रहा है, ये तो विश्व पटल पर पूरे देश की जनता से पूछिए, आवाम से पूछिए। जो नेता लोग हैं वो शादी करके लाते हैं, जब बेइज्जत करने की कोशिश की गई है वो बहुत तेजी से निखर कर आए हैं। अब बाकी अजय जी जाने की इनके मंत्री क्या बोल रहे हैं, इनके में कुछ ठीक चल रहा है, इनकी सरकार कितने दिन चलने वाली है? सेना में भेज रहे हैं, अच्छी बात है, सारा सेना बारे 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 बारे। अच्छी बात है जी। उन नेताओं को मुझे दे दे जरा, उनको भी हम ले जाके सेना में खड़े करेंगे वहाँ बॉर्डर पे। अच्छा, जो बहुओं को छोड़ रहे हैं नेता जी। हमारे बिरादरी में हमें जी हाँ, हमें लग रहे हमारे बिरादरी के कहीं वो नेताओं तो नहीं, नेता अच्छा, तो नहीं है जी। ठीक है हमें तो डाउट हो रहा है जो हमारे बिरादरी किन्नर समाज के। ठीक है, तो दे दीजिए, हम उनको भी लेके जाएंगे। कुछ बोल रहा है मैं ये कह रहा था कि आज अजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, अजय जी को देखकर कम से कम ये देखें कि उनको कब हटाना है माननीय मंत्री जी को। हाँ। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला है इसको, इस देश की सेना का अपमान इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब भी अपमान हुआ है, चाय वाला बोला गया है, नीच बोला गया है, तब तक फांसी सजा बोले, देश की अग्निवीर योजना लाने वालों को फांसी सजा होनी चाहिए बोले।
हाँ नहीं नहीं तो वो मान लीजिए कि अब जिसने भी लाया हो, चाहे सेना प्रमुख लोग लाए हो या माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हो, जो भी लाया हो, तो उसको फांसी की सजा हो जाए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब जब कीचड़ उछाला गया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, कमल और गौरव से खिला है इस देश की जनता ने, दुमने से और आशीर्वाद दिया है। तो ये लोग उछालते रहे, इन लोग यही करेंगे। ये सरस्वती विहीन लोग हैं, इनके बारे में बहुत चर्चा जो है ना करी। पता नहीं मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बयान दिया, कहा तो गलती है ना भाई, कहा तो गलती है, चाहे बेस्ट लीजिए जा रहा है। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा सिंह साहब जी, सिंह साहब अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको गाली दे दूं तो आप कोई संदर्भ पूछेगा, गाली तो गाली होती है भाई। माननीय मंत्री जी ने किस संदर्भ में कहा ये मुझे नहीं क्या है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जी, भारत में स्त्री पुरुष और किन्नर समुदाय में भारतीय संविधान कोई भेदभाव नहीं रखता। तो अगर स्त्री पुरुष सेना में जाएंगे तो हमारे किन्नर समुदाय के लोग भी जा सकते हैं। तो क्या तो रही है मंत्रालय दे रही है, मंत्री जी मंत्रालय देंगे क्या अपना, बोल तो रही है सोनम किन्नर जी, नहीं नहीं बोला तो उन्होंने मंत्रालय तो मांग रही हूं। उनके हिस्से के अनुसार हम तो जातीय जनगणना करा रहे हैं, प्रवक्ता बन के बैठे प्रवक्ता दे दीजिए ना, कितनी संख्या होगी क्या दिए। मैं नीतीश कुमार सरकार से पूछना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार किसी भी जात में किन्नर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं, हमारे लिए सब एक समान है। इसलिए अगर 2.5 लाख रुपया कोई ऐसा बयान दे रहा है सरकार दे रहे बिहार राज्य, चाहूंगा कि ये उनका प्रश्न बिहार बेरोजगारी किन्नर बनाने वाले किन्नर, और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जवाब दिया सोनम जी, बोलने पर आप बोलिएगा, बोलिए अजय भाई, बोलिए सोनम जी, बोलिए अपनी बात पूरी करिए, सुनम जी अपनी बात पूरी करिए। तो जो जो राज्य सरकार में युवा को लिंग परिवर्तन कराने पे 2.5 लाख रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, तो उस सरकार से मैं क्या बात करूं? इनकी सोच है मुंगेरी लाल के सपने लंबे लंबे। अच्छा। किसी प्रकार से देश की लोगों का सम्मान के साथ ठेस पहुंचाना। उन्होंने हिजड़ा शब्द का प्रयोग किया, कटे भी देश के हिजड़ों को जरा सा भी फीलिंग नहीं है। हम लोग गर्व महसूस करते हैं, हम लोग को कोई छक्का हिजड़ा किन्नर कहते हैं तो हम लोग अपने आप में बलशाली महसूस करते हैं। क्यों? हम भी भारत के, हमारा शब्द है ये। बिल्कुल। परंतु एक पेटुकल एक ही शब्द को सेना में जोड़ देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारा विश्व पटल पे इस समय, हमारे विश्व पटल पे भारतीय सेना का गौरव गाथा गाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे सेना के नेतृत्व में पूरा देश अच्छे नींद सो रहे हैं। जिस प्रकार से देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं एक प्रकार की टिप्पणी करके, तो वही हम इनसे मांग रहे हैं, हमें दीजिए हिजड़ों को मंत्रालय दीजिए बिहार सरकार में, अभी हिजड़ों को आप प्रवक्ता बना दीजिए, पार्टी में पद दीजिए, दे पाएंगे नहीं। पूछ लेता हूँ उनसे, आप कह रहे एक हमने एक शब्द कह दिए तो आप लोगों को क्या बुरा है? बुरा नहीं, आप भी दीजिए ना जी। बोले बोले अजय भाई, जवाब दीजिए जी। आप हमें सवाल पूछें, समझ में नहीं आ रहा, आवाज मंत्री जी का आवाज नहीं बोली है। जब इतना आप अच्छा प्रताप यहाँ बता रहे हैं, शब्द से यहाँ पर नवाज रहे हैं, तो यहाँ पर पद दीजिए, मंत्रालय दीजिए, प्रवक्ता बनाइए, हमको देंगे कुछ नहीं, केवल नाम करेंगे। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, हम बदनाम नहीं करेंगे। हाँ। हम स्त्री पुरुष और किन्नर समुदाय को एक समान मान्यता देंगे। अच्छा। हमारे नजर में सब सेम है। क्या क्या दिया है आपने? चाहे हम कुछ दिया है क्या, वो बता दीजिए, कुछ दिया हो तो, इस वर्ग को कुछ दिया हो आपने? हमारे पार्टी में बहुत सारे किन्नर समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग पदों पे हैं। अच्छा। और हम ये माननीय मंत्री जी को समझाना चाहेंगे कि आप हीरा हैं, आप अपनी मोल को समझिए। अच्छा। किन्नर कहना कोई अपमान की बात नहीं है। अच्छा। जैसे नर नारी हैं उसी तरीके से किन्नर बचाव कर रहे हैं, बयान का आप बयान का बचाव कर रहे हैं मंत्री का अपने। नहीं नहीं सुनिए, मैंने पहले आप बयान को डायवर्ट कर रहे हैं भाई, बोलिए। मंत्री जी ने किस संदर्भ में वो बयान दिया है, उस बयान का मैं निंदा करता हूं। कुछ कहा है उन्होंने, बहुत कुछ कहा है दिया है उन्होंने, अग्रवीर को कहा, उन्होंने कहा है कि जो लोग रिटायर्ड होकर आएंगे उनसे लोग शादी नहीं करेंगे, उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए। अग्निवीर के लिए तो बीजेपी के मंत्री ने पहले बता दिया था कि अग्निवीर केवल इसलिए 4 साल का रखा गया है कि जो रिटायर्ड होकर के आएंगे वो बीजेपी कार्यालय में गार्ड की नौकरी करेंगे। अच्छा, गार्ड की नौकरी करेंगे, तो पहले लोग बता चुके हैं। अच्छा ठीक है, जवाब लेते हैं, बीजेपी के मंत्री ने बता दिया है। सोनम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो रिटायर्ड होंगे। सोनम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके पास, बोलिए सोनम जी, बीपी भाई को लेता हूँ, बोलिए।
देखिए देखिए इन लोग की कथनी करनी में बहुत अंतर है जी। अभी हम लोग चाहेंगे तो अभी बिहार राज्य में सुबह से फोन आ रहे हैं, परंतु हम संविधानिक मौलिक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का अवहेलना हुआ है, बिहार हाईकोर्ट संज्ञान ले और माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को तलब करें, प्रमुख सचिव को तलब करें। इस प्रकार से जो ये मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना किए। दूसरी बात ये है, अभी हमारे बिहार राज्य में हम कम से कम 5,000 किन्नर मुख्यमंत्री का आवास घेरने की तैयारी में थे, परंतु मैं ये मांग कर रही हूँ हमारे सपा से हमारे पांडे जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी से अनिल शाही जी हैं और जेडीयू से हमारे अजय जी हैं, आप लोग मानवता का परिचय देते हैं, संविधानिक परिचय देते हैं, देश की मानचित्र में हम भी आपके परिवार के बहन बेटी हैं, हम भी आपके परिवार में ही जन्म लिए हैं, हम ही आपके माँ के कोख से पैदा हुए हैं, हमारे भी सपना है मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, आईएएस आईपीएस बनने का, डॉक्टर बनने का। क्यों नहीं आज तक 70 सालों से किन्नरों को किसी ने ध्यान दिया? यदि कोई किन्नर समाज के प्रति ध्यान दिए तो वह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। पूरे देश में पहला राज्य है जहां किन्नर समाज को राज्य मंत्री का दर्जा देके किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया और इतनी सशक्त बोर्ड है जो हम कभी भी किसी भी आईएएस को यदि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी किन्नर के साथ अन्याय होता है, उसे सामाजिक दुराचार भेद का सामना करना होता है, तो हम अपने आईएएस आईपीएस को अपने बोर्ड में तलब करती हूँ मैं। बिल्कुल, इतना सशक्त माननीय मुख्यमंत्री जी समान ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, मैं तो ये मांग कर रही हूँ कि कंटम होना चाहिए। मैं तो नीतीश जी को अभी नीतीश जी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाऊंगी, इन पे कंटम करूंगी मैं। अजय भाई विवेक पांडे के बारे में तो पहले आप माननीय मुख्यमंत्री जी, अजय भाई क्या लगता है आपको, कल अमित शाह बिहार के दौरे पर है, ये मुद्दा सरगर्मी बनेगा, इस मुद्दे को बनाएंगे, क्योंकि ये बिहार सरकार के दूसरे मंत्री का बयान आया है आपत्तिजनक, कहीं ना कहीं आपकी जमीन किसका काम करेगा? देखिए ये तो आप जो नाम ले रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी का, अच्छा नाम ना ले गए हम जी, आप बोला नाम ना लूं क्या? नहीं माननीय गृह मंत्री जी चाहे जो भी कहें, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कहें, ये माननीय गृह मंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं कि ये जुमला है, अच्छा, और 15 लाख आया नहीं, और मुद्दा बनाएंगे क्या ये, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो ये माननीय गृह मंत्री जी की बात बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है, अच्छा, ये माननीय नीतीश कुमार जी ने सदन में जो भी हवा बनाए, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है, मैं मिट जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे मुड़िए, उत्तर प्रदेश में एक नारा चला था मिले मुलायम कांति हवा में उड़ गए जय श्री राम, वैसे जदयू और आरजेडी के मिलने से बिहार से आपका मतलब सोनम जी को बोल रही है, सफाया हो चुका है। अजय भाई सोनम जी को जवाब दे रही है आपका, बोलिए जी जी, बोलिए सोनम जी। माननीय नीतीश कुमार जी जिस हमारे गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी के लिए प्रवक्ता जी अजय जी कह रहे हैं जुमला, तो यही हमारे सदन के अंदर बिहार राज्य सदन के अंदर यही नीतीश कुमार जी क्या मंगा लीजिए स्पीकर से उसका रिकॉर्ड, यही नीतीश कुमार जी ने संबोधन में बोले थे मैं मिट जाऊंगा, मुझे मिटना मंजूर होगा, मुझे स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, और मैं आरजेडी के साथ भविष्य में कभी नहीं जाऊंगा, अच्छा। फिर इनका जुमला कहाँ गया? वही आरजेडी के साथ इन्होंने गठबंधन करके और लोकतांत्रिक ढांचे को गिरा के क्या चीज गौरव जी, इनका जुमला नहीं है कुछ कारण से, मंत्री जी का आवाज हमें सुनाई नहीं दे पा रहा। अरे वो कह रही है नीतीश कुमार बोले थे भाई सदन में कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा स्वाभिमान से तोड़कर आरजेडी से गठबंधन नहीं करूंगा, कैसे गठबंधन हो गया भाई? तो मान गौरव जी मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सदन में माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश में अगर कोई समाजवादी है तो एकमात्र नीतीश कुमार जी हैं,
अच्छा। जो पूरे देश आपने जुमले की बात कहे आप जुमले के जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको बात याद दिलाई हूँ जी जी। जब प्रधानमंत्री सौरभ श्रीवास्तव जी से मैं टेबल ऑन रिकॉर्ड स्पीकर मंगा सकते हैं। नीतीश जी का बयान, नीतीश जी का बयान अधिकार महादुष्कर्म है। अस्पतालों में कुत्ते लेट रहे हैं। ये उन्होंने समझौता नहीं करेंगे। दंगा फसाद हो रहा है आपको किन्नरों के लिए अपमान के लिए यह वर्ग आपको दिख रहा है। वर्ग 70 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान पाने के लिए किन्नरों से कटा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब महाराष्ट्र में ये लोग जो राम राज्य लाए हैं वही राम राज्य बिहार में लाना चाहते थे। अच्छा लेकिन वहाँ ये फेल हो गए। अच्छा ये समझ में नहीं आई। नीतियाँ असफल हो गई। शुरू हो जाती है जुड़ जाती है तारीफ शुरू हो जाती है। ये थोड़ी पश्चिमी बदली है। मुझे तो भारतीय राजनीति समझ में नहीं आती है। अलग होते बुराई जुड़ गए तारीफ बोलिए। ये पश्चिमी बनी है कम से कम एक बयान पर अटक रहना चाहिए। ठीक है वे पांडे अपनी बात पूरी करेंगे। बोलिए देखिए पूरी चर्चा परिचर्चा आज ये डिबेट आपने बुलाए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी किन्नर के तरफ से देश के सभी किन्नर के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी से मांग कर रही हूँ ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे। और मैं हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट बिहार राज्य से मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ। मैं ईमेल भी करूंगी और हमारे लोग ने कर दिए होंगे। संज्ञान लेते हुए ऐसे मंत्री के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई हो जो क्योंकि ये शब्द जो है आप धारा जो है आर्टिकल हमारी जो ट्रांसजेंडर एक्ट जो बनी है भारत सरकार में जो बना है यदि किसी किन्नर को आपने ठेस पहुँचा दिए उसको हिजरा कह दिए छक्का कह दिए यदि वो किन्नर अपमानित महसूस करता है तो वो व्यक्ति 6 महीने के लिए जेल जाएगा। 6 महीने से 6 साल का जेल का प्रावधान है उसको गैर जमानती उसको कोई जमानत भी नहीं मिलेगा। यह एक रूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है तो इस पे मुकदमा होना चाहिए। हम तो बिहार राज्य के किन्नर से मांग कर रहे हैं मंत्री के खिलाफ मुकदमा कराए और इनको 6 साल के लिए जेल भेजें। ठीक है वे पांडे देखिए गौरव भाई पूरे प्रकरण को देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कानून अगर है तो कानून की लोगों को समझ नहीं है। कानून के लिए लोगों को कानून के प्रति जागरूकता नहीं है और सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन का जो एक प्रावधान होना चाहिए जो प्रारूप होना चाहिए वो उसकी बहुत कमी है। अच्छा कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण जो है विधिक प्रकरण है। अच्छा। मैं कहता हूँ अगर कानून बनाया तो लोग उस कानून के अधिकारों के द्वारा दिए हुए अधिकार निर्गत अधिकारों के माध्यम से सामने क्यों नहीं आ रहे और सामने आकर के अपना विरोध दर्ज क्यों नहीं करा रहे। बिल्कुल आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक ऐसा समुदाय जो कि सीमित नेतृत्व के अभाव के कारण हमेशा अपने आप को सामने आने से लोगों के असहज महसूस करता है अब ये समय आ चुका है कि उस समाज को सामने खुल करके आना पड़ेगा। ठीक उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की और जुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है जी। आप केवल राजनीतिक चर्चा परिचर्चाओं के माध्यम से किसी के विचारों को नहीं बदल सकते क्योंकि मार्गदर्शन और मार्गदर्शक ये दो अलग तथ्य हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मार्गदर्शन लेना है तो मार्गदर्शक को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा जी। जब आप बात करते हैं किसी भी सुधार की समाज के किसी भी संस्था या किसी भी वर्ग के सुधार की तो कहीं ना कहीं ये आपको समझना पड़ेगा कि उनके विशेषाधिकार क्या है और अगर उनके विशेषाधिकार है तो वो समाज में क्यों नहीं है और समाज में अगर है तो वो जागरूक क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि अब लोग सामने आए और आपत्ति दर्ज कराएं। कानून बने हैं लेकिन कानूनों की जानकारी का अभाव। ठीक तो जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा। ये बोर्ड कल्याण समिति जो हर सरकारें बनाती है नए तरीके से इनका सबसे बड़ी समस्या है ये एक सीमित दायरे में कहीं ना कहीं एसी कमरों में बैठ करके केवल कागजी कार्रवाई में व्यस्त रह के समय काट लेते हैं। आवश्यकता है सड़क पे आकर के या अलग अलग माध्यमों से इन लोगों को जागरूक करने की। क्या बात। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह दूं ये जितने भी चर्चा परिचर्चाएं होती है ये राजनीतिक शब्दों में दब के रह जाती है। अगर वास्तव में इस देश का किन्नर समाज आज इस भावना से आहत हुआ है तो मैं तो कहता हूं कि उसको सामने आना चाहिए। भाई हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं मैं इसको राजनीति पे फिर नहीं ले जाऊंगा लेकिन हम तो समाजवादी पार्टी से हैं। मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा लेकिन
हम तो खुद अपनी पार्टी में पायल सिंह का नाम लीजिए, चाहे आपको पता होगा गुलशन बिंदु, हम तो टिकट भी देते हैं। हम खुश हो रहे हैं, हम आहत नहीं हुए, हम खुश हो रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जरूरी है लोगों को जागरूक करने की। आप अपने अधिकारों की लड़ाई जब तक खुद सामने आकर के नहीं लड़ेंगे तो यकीन मानिए सरकार तो समय काटती है, और सरकारों का लक्ष्य केवल होता है प्रतिनिधित्व देकर के वोट हासिल करना। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि लोग सामने आए और हम उनको नेतृत्व देने के साथ उनको जागरूक भी करें। ठीक है, आप सभी मेहमानों के कार्यक्रम में जुड़े हुए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी बिहार के मंत्री के बयान पर, बिहार के मंत्री ने बयान अब फिलहाल सियासी सरगर्मी में बना हुआ है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि सेना पर टिप्पणी करने वालों पर या इस विशेष वर्ग पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। टिप्पणी करते रहेंगे और लोगों की भावनाओं को आहत करते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर नियम बनेंगे कि सेना पर टिप्पणी करेंगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, अगर किसी वर्ग को लेकर टिप्पणी करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये केवल कानून ना बने बल्कि कार्रवाई बड़ी हो और एक संदेश जाए सबको कि कम से कम अगर सेना पर जो हमारी रक्षा करती है और किसी वर्ग को अगर आप टारगेट करेंगे, उनको कुछ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती रहेगी या फिर बयान जो बयानवीर हैं उनकी फिरिस्त लंबी होती चली जाएगी। फिलहाल अभी दो बयान आए हैं, आगे जाने वाले कितने समय कितने बयान आएंगे वो देखने वाली बात होगी। कार्रवाई कब होगी ये बड़ा प्रश्न है सबके सामने, जनता के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।